यहाँ सिर्फ दो ही चॉइस है, मेजर राजीव बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मेरे हृदय में नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। एक कहा तूने, अब तक तूने मेरे सिर्फ एक सिपाही को देश की सेवा का हर जाना देना होगा। प्रीति को इम्प्रेस कर पाएगा विकी, प्रीति होगी अब विक्की की साइड। हेलो बाहु पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। हम जितने सुकून से अपने घरों में सोते हैं, जो मर्जी वो काम करते हैं, कभी सोचा है ये आजादी किसकी बदौलत है? कैसे हम ये विभाग जिंदगी जी पा रहे हैं? जवाब है भारतीय सेना, जिसकी बदौलत हम इतनी आजादी से अपनी जिंदगी जी पाते हैं। भारतीय सेना सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में दिन के 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए दुश्मन से बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार रहती है। हमारी ये कहानी भी बड़े पर्दे पर दिखाई जाने वाली सोल्जर मूवी की ही तरह होने वाली है। लेकिन जैसे पर्दे पर सिर्फ सेना के बारे में ना दिखाकर एक नेगेटिव पार्ट भी दिखाया गया था कि कैसे सेना के कुछ जवान झूठे और गद्दार निकलते हैं और अपने ही साथी जवान को देशद्रोही घोषित कर देते हैं, जिसके बाद उस जवान को ना सजा होती है और पीछे से उसके परिवार को क्या कुछ नहीं सहना पड़ता। लेकिन इन सब के बीच हमारी कहानी में भी यही दिखाया जाएगा कि जवान प्रताप मल्होत्रा उर्फ सुरेश ओबेरॉय का बेटा विक्की उर्फ बॉबी देओल कैसे बड़ा होकर बदला लेता है। और इस कहानी को जानने के लिए ना हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहें। यूपी के एक छोटे से शहर में एक प्रताप नाम का लड़का रहता था। प्रताप का मन बचपन से ही ना देश की सेवा करने का था, इसलिए बड़े होकर उसने भारतीय सेना में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही भी बन गया। लेकिन जैसे हर फील्ड में ना राइवल्स होते हैं, और सच्चे ईमानदार सिपाही की नीयत हर किसी को खलने लगती है। जिनमें से जसवंत, बलदेव और वीरेंद्र तीन ऐसे सिपाही थे जो देश के साथ ही धोखा कर रहे थे। उन्होंने अपने इस जाल में धोखे से प्रताप मल्होत्रा को शामिल कर लिया था और रास्ते में जाते हुए सारा सामान प्रताप मल्होत्रा के बैग में डाल दिया ताकि चेकिंग अगर की जाए तो प्रताप का नाम सामने आए। आखिरकार यही हुआ और प्रताप के सामान में कोकीन जैसा नशीला सब्सटेंस मिला। उसको देशद्रोही करार देकर सेना से भी बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उसने भी ना ठान ली थी कि वो अपने दुश्मनों को चैन से जीने नहीं देगा। गुमनाम जैसी जिंदगी जीते जीते ना प्रताप थक चुका था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने परिवार को लेकर आउट ऑफ इंडिया सेटल हो जाएगा और अपनी पत्नी शांति और बेटे विक्की को साथ लेकर वो इसी तरह इंडिया से बाहर ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गया। फिर इंतजार करने लगा कि कब उसका बेटा बड़ा होगा और वो बदला ले सकेगा। सालों बीत गए और विक्की ना अब जवान हो चुका था और थोड़ा बदमाश भी, क्योंकि प्रताप ने ना शुरू से अपने बेटे को बेबाक जीना सिखाया था। एक दिन प्रताप ने विक्की को सारी घटना बताई और उससे वादा लिया कि वो उन कमीनों को ना छोड़ेगा नहीं। और ये सब सुनकर विक्की का खून भी ना खौलने लगता है। उसने पूरी तैयारी शुरू कर दी थी इंडिया जाने की, ताकि वहीं जाकर वो उन सबको ना सबक सिखा सके। इसलिए सबसे पहले उसने इंडिया में कदम रखते ही सबकी जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया और उसको मालूम हुआ कि जसवंत की बेटी प्रीति मुंबई की किसी कंपनी में काम करती है। और विक्की ने सबसे पहले उसको अपनी बातों में लेने का फैसला किया ताकि बाकी लोगों तक पहुंचना थोड़ा आसान हो सके। उसने उसी कंपनी के ओनर से अपनी जान पहचान बनाकर कंपनी में शेयर खरीद लिए ताकि वहाँ आना जाना आसान हो सके। और वो अब डेली एक बॉस के जैसे, लेकिन प्रीति पर नजर रखने के सिलसिले में कंपनी में जाने लगा और वैसा बिहेव करने लगा जैसे वो ना बहुत बड़ा बदमाश काइंड ऑफ इंसान हो। प्रीति की नजर जब उस पर पड़ी ना तो वो उसको देखती ही रह गई, क्योंकि लंबा चौड़ा, गोरा और अच्छी पर्सनालिटी वाला फॉरेनर जैसा दिखने वाला विक्की कहीं ना प्रीति को अपने लुक्स से इम्प्रेस कर चुका था। धीरे धीरे उन दोनों की मुलाकात डेली ऑफिस में होने लगी और विक्की अब प्रीति के दिल में ना उतरने लगा था। वो बस उसको देखती रहती थी। उधर एक बार के लिए ना प्रीति को देखकर तो विक्की भी अपने होश खो बैठा था और प्रीति के साथ उसकी नजदीकियां जो थी ना वो बढ़ने लगी थी। प्रीति के घर तक विक्की का आना जाना शुरू हो गया था, क्योंकि वो उसको छोड़ने के बहाने उसके घर तक जाता था। और एक दिन ना उसने विक्की को कॉफी पर घर इनवाइट किया ताकि वो अपने पापा से उसको मिला सके। विक्की से मिलकर जसवंत भी काफी इंप्रेस हो चुका था। विक्की ने अपनी कंपनी में उसको अपना पार्टनर बनाने का लालच देकर उसको अपनी साइड कर लिया था। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की कहानी जानने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार।
ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। वो हाल करो हिंदुस्तानी फौजियों का कि कोई उनकी लाशें देखने की भी हिम्मत न जुटा। पाकिस्तान जो भाषा समझता है उसी भाषा में पाकिस्तान को समझाने का समय अब आ गया है।